नॉन चेहरे जी श्री ए के मिश्रा, और क्योंकि इनको आप देखते हो, इनको आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर, इनकी बातें सुनते हो, इनको सराहते हो, आपका दोनों का वेल। और मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत, आप भी बड़े आज पिछले 5-6 महीने बड़े एक्टिव रहे। अब क्या करोगे यूपी के इलेक्शन के बाद, का एक्टिविटी का क्या होगा? नहीं, हम तो डॉक्टर साहब देखिए हमेशा एक्टिव रहेंगे, भारतवासी हमेशा एक्टिव रहते हैं, जय पराजय किसी की भी। अकेले भारतवासी नहीं, दुनिया के लोग एक्टिव रहते हैं, क्योंकि नहीं नहीं कुछ ऐसे हैं जैसे बसपा अभी भी एक्टिव नहीं हुई है, पूरा चुनाव निकल गया है, वो एक्टिव नहीं हुई है, तो हम तो हमेशा एक्टिव रहेंगे। देखिए पूर्ण हो ही हमें क्या, हमें का हानि, हम भारतवासी हैं, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, सरकार किसी की भी हो राष्ट्रीय नीतियों पे चलनी चाहिए। और रही बात ये चुनाव की, तो चुनाव हो रहे हैं, चाहे कम वोटिंग हो ज्यादा हो, सरकार तो किसी न किसी एक की बनेगी। समरी के रूप में आपने कुछ बताया है जो जनरल ओपिनियन आ रहे हैं, अब डिटेल में आप अपने सवाल पूछेंगे तो डेफिनेटली उसको जो भी हो सकेगा उसको बताया जाएगा कि क्या हो सकता है। मिश्रा साहब, मैंने कहा अपने ओपनिंग कमेंट्स में, जानवर बहुत दुखी हैं लोग जी, खास करके फार्मर्स जो 40% से ऊपर जिनकी एक एक एकड़ ज़मीन है, दो दो एकड़ ज़मीनें हैं, वहाँ पर पशु आके जो हैं वो उनकी फसल खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, रातें वो उनको दूध भगाने में लगे रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई, ये तीन मुद्दे बीजेपी ने तो नहीं उठने दिए, लेकिन आपको क्या लगता है अंदर अंदर से ये तीन मुद्दे कितने इम्पोर्टेंट हैं? डॉक्टर साहब, चुनाव में मुद्दों को मैं उन्हीं चीजों को मुद्दा मानता हूं जो वोट में कुछ शिफ्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। रही बात सांडों की, तो मैं खुद मानता हूं मेरे गांव में एक दिन में 25 सांड पकड़े गए थे, लेकिन भारत की मनोदशा ये है, भारतीयों की ये है, स्पेशली हिंदू वगैरह जो है बिलोंग करते हैं, वो ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू वो नहीं बनेगा कि जिसके बेसिस पे एक वोटर ये सोचे कि भाई हम किसी को वोट दें कि ना दें। वो एक इशू है, लेकिन उसका वेटेज जो है बहुत कम है। बेरोजगारी का जो मुद्दा आप बोल रहे हैं, महंगाई का मुद्दा बोल रहे हैं, ये बड़ा यूनिवर्सल मुद्दा है भारत में, हर बार चुनाव में ये हमेशा ही मुद्दा सारी पार्टियों के लिए रहता है। ठीक है, अब की बार बेरोजगारी और इन सब चीजों का रीजन चाहे जो रहे हो, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन आदमी जब झेलता है तो उसको महसूस होता है, ये एक मुद्दा हो सकता है। अब इस मुद्दे का असर क्या पड़ेगा, जैसे अभी हार्डकोर वोटर की बात हो रही थी, कैडर बेस्ड वोटर की बात हो रही है, उसमें भी दो तरीके के होते हैं। होता ये है कि कुछ नए लोग होते हैं, शिफ्टिंग वोटर होते हैं, जो इधर जुड़ते हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आने पर उनका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। जैसे मुसलमानों की बात मैम ने की, पिछली बार मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा, कुछ लोग, कुछ अच्छे परसेंट जो ऐसे थे बीजेपी को वोट दिया, आज वो फिर शिफ्ट हो गए, उनकी प्रायोरिटी शायद बदल गई होंगी। तो ये सारी पार्टियों के साथ होता है। बसपा का भी जो कैडर बेस्ड हार्ड कोर है वो हमेशा चिपका रहता है, लेकिन बसपा में भी कुछ नए लोग जुड़ते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इससे वोट बैंक इधर से उधर शिफ्ट होगा, जैसे पिछली बार 65% एवरेज वोटिंग हुई, तो अब की बार हो सकता है 55% हो जाए, 60% हो जाए, लेकिन अल्टीमेट यह है कोई ना कोई एक लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, या क्लियर कट मेजोरिटी आएगी, या क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आएगी, लार्जेस्ट पार्टी तक लिमिटेड हो जाएगा। चुनाव का जो इलेक्शन कमीशन का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हर हालत में एक सरकार को दे देना, चाहे वो जोड़ तोड़ की सरकार बने, चाहे कैसे भी, वहां पे उनकी जिम्मेदारी खत्म होती है। मतलब इलेक्शन करा के रिजल्ट दे देना, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि सरकार का फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर दिया जाए ताकि 5 साल तक वो चले। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि देखिए अब की बार बहुत सारे मुद्दे बीजेपी की तरफ से नहीं बन पाए, जैसे राम मंदिर का मुद्दा शायद उतना इन्फ्लुएंशियल ना रहा हो, लेकिन आपने अपने ओपनिंग कमेंट में जो बोला, एक मुद्दा साइलेंट वे में सर सबको प्रभावित कर रहा है, इंक्लूडिंग मी और मैं जिससे बात करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा होता है, मतलब फियर फैक्टर ना हो कि हम सड़क पे निकलेंगे तो हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए। यूपी के लोगों में ये मुद्दा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अंदर तक उनको प्रभावित करके रखा हुआ है, और इस चीज को सब मानते हैं कि सड़कों पे जो गुंडाई होती थी, जो रॉबरी होती थी, चैन स्नैचिंग होती थी, हवाई फायरिंग होती थी, और ये फैक्ट है कि कम से कम इन चीजों से निजात मिली हुई है। आप यहाँ आके देखेंगे तो जनता इस चीज को महसूस करती है कि सर ये वही हाईवे है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली से आप निकलिए अलीगढ़ मेरठ वरठ की तरफ, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्राइम हुए हैं इस हाईवे पे कि दिल दहल जाता है।
और आज की डेट में आप दिन में निकलिए या रात में, एक भी हाईवे पे क्राइम नहीं सुनाई दिया है सर, पिछले 4-5 सालों से नहीं सुनाई दिया है। मुझे ये लगता है कि ये मुद्दा एक स्पेसिफिक वोट बैंक के लिए, मेजोरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि देखिए सांडों के आतंक से लोग परेशान नहीं है, क्योंकि धार्मिक भावना के लोग हैं, वो सांड खा रहा है पकड़ के बांध लेंगे, लेकिन वो सांडों को कत्ल नहीं करेंगे, ये मान के चलिए, इतना बड़ा मुद्दा वो नहीं बना है। लेकिन ये मुद्दा एक इम्पैक्ट डालने वाला मुद्दा है, वो चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इससे तो सब लोग इन्फ्लुएंस्ड है कि कानून व्यवस्था सुधरी है। तो इस एक मुद्दे को मैं पॉइंट मानता हूँ। मिश्रा जी, मिश्रा जी, जानवर और अनएम्प्लॉयमेंट को एक साइड पर छोड़ देते हैं, आप कहते हैं ये तो हमेशा ही होता है, लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है, आम आदमी जो है उसकी कोई जो स्टेटस है मतलब वेल्थ वाइज वो नहीं बढ़ा पिछले 5 साल में, आप तो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, तो जब 5 साल में उनका जो जेब है वो नहीं बढ़ी, उनकी कमाई नहीं बढ़ी और महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है इस वक्त, दुनिया में महंगाई है लेकिन हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी है उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जानवर को छोड़ दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ दीजिए, महंगाई अंदरों अंदर कितना रोल प्ले कर रही है। डॉक्टर साहब, ये एक मुद्दा है और इसका जमीनी स्तर पे डेफिनेटली असर दिखेगा। इसके पहले देखें, जैसे भारत की इकोनॉमी जब पूरी ग्लोबल सब कुछ एकदम ठीक ठाक थी तो सबकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, तो डेफिनेटली जिस पॉपुलेशन ने, जिस आदमी ने अगर 1-1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए महीने वो कमाता था, उसकी इनकम कम होगी तो उसके उसका इम्पैक्ट इमिडिएटली साइकोलॉजी पे पड़ता है, जो इकोनॉमिक साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल आदमी की होती है उस पर पड़ता है, उसको महसूस होने लगता है कि मेरी कमाई घट गई है और उसके माथे पे चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं। तो मैंने इस चीज के लिए यहाँ पे ये बोला शुरू में, इसके पहले मैंने ये बोला कि दो तरीके के वोटर होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोर, वो मुद्दों से इतने चिपके रहते हैं कि वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इसका एग्जाम्पल है राम मंदिर के मुद्दे पे जब सरकार बनी तो वहां लोगों ने ना महंगाई देखा, ना भूख देखा, ना प्यास देखा, मेजोरिटी लोगों ने राम मंदिर बनने को जो है एक मुद्दा माना, बनाया और उस पर वोट किया और वो चीज सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे महंगाई का असर ये दिखेगा कि जो एडिशनल वोट बीजेपी को मिले थे वो डेफिनेटली उसमें जो शिफ्टिंग वोट होता है वो शिफ्ट होगा, इधर से उधर चला जाएगा। अच्छा, जनता भी आज की डेट में काफी पढ़ी लिखी है, और मैं तो सवाल पूछता हूँ विपक्ष के लोगों से, जो लोग महंगाई की बात करते हैं, बोलते हैं हम गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी ने भी ये बोला था, गरीबी क्यों नहीं, कैसे हटाएंगे आप महंगाई और गरीबी, कोई चाप आउट प्लान चाप आउट करके बताइए। हालांकि ये है, महंगाई कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, देखिए मैं बहुत फ्रेंकली बोलता हूँ, पॉलिटिकल इशू की तरह बात करके आप महंगाई को डील कर ही नहीं पाएंगे, वो इकोनॉमी का मुद्दा है। महंगाई, इंक्रीजिंग कॉस्ट प्राइसेस, ये टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स का है जो अपने प्रिंसिपल पे चलता है, वो हमारे नेताओं को कुछ पता नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, इनसे कुछ भी पूछिए जीडीपी है, जीडीपी वगैरह, जीडीपी का फार्मूला क्या होता है ये मंत्री लोगों को पता नहीं होता है। तो महंगाई का क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट चुनाव में पड़ेगा, चाहे जितना पड़े, कुछ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। देखिए, जिस आदमी की इनकम एकदम से ही बंद हो गई हो या बहुत रिड्यूस हो गई हो तो उसको परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, ग्लोबल और बहुत सारे रीजन के कारण ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे है, ये एक मुद्दा डेफिनेटली बनेगा। विपक्ष इसको इनकैश करने की कोशिश कर रहा है, और इनफैक्ट मैं बताऊं, सारे मुद्दे को छोड़ दीजिए, अगर विपक्ष की सीटें बढ़ती है ना तो उसमें एक ही मुद्दा है, जो व्यक्ति को फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम हो रही है वो एक मुद्दा है, वो उनको लगेगा ये पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चलो। महंगाई के बारे में कॉन्क्रीट प्लान तो किसी ने बनाया ही नहीं, किसी ने अपने बस के वाले एक लाइन बोला कि हम महंगाई हटाएंगे, कैसे हटाओगे भाई, पेट्रोल का दाम आप कैसे कम कर देंगे बताइए ना। ऐसा कौन सा ईयर है इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री में आजादी के बाद से जब महंगाई कम हुई हो, बहुत कम साल आपको मिलेगा अगर आप देखेंगे ईयर वाइज इन्फ्लेशन रेट, बहुत कम मिलेगा जब वो गिरी है, और वो बहुत कम टाइम के लिए है, मोस्टली ये ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड है। और महंगाई इन्फ्लेशन रेट को अगर गिराना है वो बड़ा एक समन्वयित प्रयास होता है, पॉपुलेशन का भी पूरा प्रयास होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी, इंटरनेशनल मदद भी होनी चाहिए। तो महंगाई लेकिन एक मुद्दा बनेगा, इसका इम्पैक्ट पक्ष विपक्ष के ऊपर पड़ेगा, वोट इन्फ्लुएंस होगा। डॉक्टर साहब, मिश्रा जी, आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, आप तो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, जो मैंने क्वेश्चन किया
उसमें आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंटें जो है कब तक चलेंगी? देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे ज्यादातर विपक्ष के सारे सरकारों को देखा जाए तो फ्री वाले मुद्दे को बहुत तेजी से इनकैश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की री एंट्री हुई है तो शायद इसी पे हुई है, 5 रुपए का टिकट फ्री कर देंगे, बिजली पानी का बिल फ्री कर देंगे। मैं मानता हूँ वेलफेयर स्टेट में सब्सिडीज, किसी चीज को सब्सिडाइज्ड करना और जो जरूरतमंद लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनको फुल फ्लैग हेल्प देना। फुल फ्लैग हेल्प देने का मतलब जैसे हेल्थ का इश्यू हो गया, ऑफ कोर्स वो होना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को फ्री में इलाज और बड़ी बड़ी सर्जरी। इसीलिए उन लोगों को भी अनाज वगैरह फ्री मिलना चाहिए जिन बेचारों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, यानी भूख से मौत, किसी पेट तो भरना ही चाहिए, मैं ये मानता हूँ, एक बेयर मिनिमम लेवल पे भरना चाहिए। लेकिन जब इसको ये लोग एक मंत्र बना लेते हैं ना, टूल बना लेते हैं कि चुनाव जीतने का केवल यही एक तरीका है जो आम आदमी पार्टी ने किया, उसकी देखा देखी वो लपटे और भी पहुंचने लगी, वो लोग करने लगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ इकोनॉमिक साइकिल को सारे लोग नहीं समझते हैं, वो इधर से देंगे फ्री, उधर से कहीं बढ़ा देंगे। एक केवल पेट्रोल के दाम में 25 पैसे पर लीटर, 50 पैसे पर लीटर की अगर वो बढ़ा देंगे तो वो सारे लोग इनडायरेक्ट वे में आ जाएंगे, उनको नाक पकड़नी है वो घुमा के पकड़ लेंगे। देखिए मैंने आपको बताया प्राइस को रिड्यूस करना ये एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है, सरकारें महंगाई क्यों नहीं कम कर पा रही है, इधर से उनको चुनाव भी जीतना है तो वो फ्री में देंगी। पब्लिक जिस दिन ये समझ जाएगी कि भाई ये फ्री का नहीं है, दाएं जेब में डाल रहे हैं तो बाएं जेब से हमारे ही निकाल रहे हैं, ये पब्लिक अवेयरनेस की बात है। इस पे कोई इकोनॉमिक डिबेट नहीं होती है डॉक्टर साहब किसी चैनल में। ये तो ठीक है हम पढ़े हैं, आप पढ़े हैं, जिनका सब्जेक्ट रहा है उनको ये चीज समझ में आता है। पर्सनली मैं प्रिफर नहीं करता हूं कि फ्री की राजनीति की जाए, फ्री की राजनीति। देखिए बेसिकली क्या है कि आप अपनी इकोनॉमी की बात कर रहे थे, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये नॉन फैक्ट है, दोनों से ये सवाल है, ये नॉन फैक्ट है कि मोदी जी और अमित शाह जी, मैं जी करके बुलाता हूँ, चलो हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हैं, दिल तो नहीं करता पर फिर भी बुलाता हूँ, ये योगी आदित्यनाथ जी को पसंद नहीं करते, ये ओपन फैक्ट है, मजबूरी है उनकी कि उन्होंने उन्होंने उनको ये कहना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ जी ही नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे। अगर 325 में से सीटें जो हैं वो 220 और 240 के बीच में रह जाती हैं, तो आप मुझे बताइए कि योगी नाथ जी का फ्यूचर क्या है? बीजेपी में योगी नाथ जी का फ्यूचर हमेशा ही अच्छा रहेगा, बशर्ते वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे या सेंट्रल में कोई मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी के पास ऑप्शंस बहुत है, सेंट्रल में एज वेल एज यूपी में, कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री वे में वो उनको जो है सेटिस्फाई करेंगे या शिफ्ट करेंगे। अगर मैं क्या बात ये होम करूँ मिनिस्टर बना सीटें देंगे? कम नहीं, होम मिनिस्टर बना कुछ देंगे? और बहुत सारे, नहीं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जरूरी नहीं है कि होम मिनिस्टर बनाया जाए नहीं, पर या मुझे ये प्राइम बताइए, मिनिस्टर बनाया जाए। एक साधु को क्या जरूरत है मिनिस्ट्री बनने की या चीफ मिनिस्टर बनने की? वो तो अपने आ, 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 जो है वो अपनी साधुगिरी करें। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब, जो भारत अच्छा के बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ करो एक करो। बहुत महान प्रतापी राजा थे जनक, हाँ उस किसी साधु से कम नहीं थे, लेकिन राजपाट का कर्तव्य वो निभाते थे। इसके साथ साथ मैं आपको 50 और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का उदाहरण दूंगा जो कि राजा भी थे लेकिन वो साधु धर्म का पालन करते हुए नहीं रहते नहीं थे। नहीं देखिए साधु ने, एक नहीं, मिनट, गलत गलत बात मत करिए। साधु नहीं, धर्म जो गलत नहीं है है डॉक्टर साहब, वो तीन तीन वाइफ्स रख के जनक जी जो हैं वो साधु धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। देखिए पालन वो होता है जो बकायदा जिस तरीके से योगी नाथ जी मठ के हेड हैं नहीं और राव डॉक्टर ब्रह्मचारी साहब, और आपको ब्रह्मचारी इतिहास हैं नहीं पता है डॉक्टर साहब, आपको ब्रह्मचारी हैं। इतिहास नहीं पता है, आपको इतिहास नहीं पता है। मुगलों अच्छा का जब आक्रमण हुआ था तो जो नागा साधु थे उनका रोल क्या था, आप इसको देखिएगा। मैं जी 50 ऐसे उदाहरण दूंगा। जी चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, वो एक तरीके से साधु था, ब्राह्मण था, ठीक है, पूजा पाठ करता था, अपनी अपना पढ़ाता था, शिक्षक था। उसने क्या राज्य का निर्वहन नहीं किया, प्रधानमंत्री पद पे वो था कि नहीं था? अब आप बोलिए कि उसको क्या जरूरत थी कि प्रधानमंत्री बनने की, वो कहीं मठ में रहता। साधुओं के रोल को भारतवर्ष, अगर गोल्डन भारतवर्ष, अगर भारत की चिड़िया जब थी, मुझे वो टाइम बताइए जब भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी तो उस वक्त कौन सा सिद्धांत चलता था? फेडरल गवर्नमेंट चलती थी उस वक्त, नहीं चलती थी, साधुओं का बोलबाला था, उनके बनाए हुए नियम पे राज्य चलते थे, वो प्रिंसिपल सेट करते थे।
राजा भले ही कोई हो, आप मैं आपको 50वां एग्जांपल, साधुओं का कंट्रीब्यूशन क्या है ये लोगों को पता ही नहीं। ये समझते हैं साधु का काम है केवल मठ में रहना, जंगल में रहना, गुफा में। सबसे एक्टिव समाज अगर सिद्धांत बनाया है, कंट्रीब्यूशन किया है, साधुओं ने किया है सर, ज्ञान में, विज्ञान में, तप में, तपस्या में, साइंस में। मैं साइंस की खोजों की अगर बात करूं, या तो वो साधु थे या साधु तुल्य जीवन वो जीते थे। चलिए, आपसे हमारे व्यूज जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, और मैं मानने नहीं, डिफरेंट नहीं, नहीं, लॉजिकल जो है नहीं, लॉजिक मैं तो लॉजिक लॉजिकल क्या है कि आप हजारों साल की जो हिस्ट्री हमें बता रहे हैं, ये ज़माना बदल गया। इस ज़माने में अगर इस वक्त हमें या तो ये हो कि आदमी नहीं मिलते, या मतलब पढ़े लिखे और इंसान नहीं है पार्टी के पास। क्वेश्चन ये है कि आप एक मठ के हेड हैं और आप एक ब्रह्मचारी उसके हेड हैं, पर आपके मुताबिक उनका जो है रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक पॉलिटिशियन का। तो चलिए हम एग्री कर जाते हैं इसमें। कौन सवाल का जवाब नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात मान लूंगा। कीव के राष्ट्रपति एक सिंगर थे, डांसर थे, हाँ नाच गाना करते थे, उनको राष्ट्रपति बनने की क्या जरूरत है, वो जाके कहीं डांस वांस करते नहीं, ना, नहीं, 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 देखिए लॉट ऑफ डिफरेंस। प्रोफेशन बदल गया, देखिए प्रोफेशन बदल गया, मैं बोलता हूँ वो डांसर थे, सिंगर थे, प्रोफेशन बदल के पॉलिटिक्स में आ गए, वो बदल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साधु अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकते। हाँ जी शबनम जी। नहीं नहीं ऐसे तो जो पुराने मौलाना है उनका एक बड़ा तबका ने देश के लिए अपनी जान लड़ाई है, जैसे मिश्रा जी साधुओं का बता रहे, तो वो इशू नहीं है। इशू यह है कि अगर आप संन्यास ले चुके हैं, अगर आप त्याग चुके हैं सब कुछ, अगर आपने सब कुछ आपको नहीं त्याग दिया, आपको नहीं पता है ऐसे मत कहा करो मिश्रा जी, आप ये कहिए आप ये कहिए मेरे जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं। शंकराचार्य से बड़ा हिंदू धर्म का विद्वान नहीं है, उन्होंने संन्यास लिया वापस अपने माँ की जो है वो करने के लिए, गृहस्थ जीवन में वापस आए, अपने कर्तव्य का पालन करके वापस हो गए, उन्होंने मिश्रा जी बड़ा नाजुक टॉपिक है। हम यूपी के इलेक्शन से एक नाजुक टॉपिक पर चले गए, जो कि I'm sorry, I shouldn't have even bothered about it. लेकिन let's forget about it. यूपी की बात करें, यूपी की बात करें इस वक्त। मेरा मिश्रा जी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, वो ये है कि अगर जितनी सीटें आप जीते हो 325, हालांकि वो योगी साहब की वजह से नहीं जीते थे, वो मोदी साहब की वजह से जीते थे, और उस वक्त राम मंदिर एक इशू था तब जीते थे। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, खास करके जो डिसिप्लिन्ड पार्टी है जैसे बीजेपी, और बीजेपी भी क्या आरएसएस, बीजेपी तो कुछ भी नहीं है, आरएसएस का जो केडर है उन्होंने जिताना है, उन्होंने हराना है। जो आरएसएस का केडर है जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है, हाँ उनकी आइडियोलॉजी का आदमी आना चाहिए, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन आइडियोलॉजी जो है वो आरएसएस की समझता हो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ये बात सही है, देखिए मैं इस चीज को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। आरएसएस की आइडियोलॉजी की कौन सी पार्टी है, बीजेपी को छोड़ के मुझे बताइए, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं सबका 36 का आंकड़ा है। आरएसएस का ये प्रयास है कि हमारी आइडियोलॉजी विपक्ष वाले भी अपनाएं, उनकी सरकार है, इतने जल्दी वो उनकी आइडियोलॉजी विपक्ष वाले नहीं अपना रहे, क्योंकि वो अपना लेंगे तो वो भी बीजेपी के जैसे हो गए, आरएसएस के मेंबर हो गए। आरएसएस इसके लिए कोशिश कर रहा है, तो ऑप्शन ग्रेटर ऑप्शन यही है आरएसएस के पास कि भाई बीजेपी है, इतना बड़ा रिस्क आरएसएस भी नहीं ले पाएगी कि यूपी जैसे सत्ता को आराम से जाने दे वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो बीजेपी लाने के लिए आरएसएस के लोग भी जी जान लगा देंगे, सीटें कम हुई या ज्यादा हो। दूसरी चीज ये है कि जो योगी जी के ऊपर लग रहा है, देखिए बीजेपी के आप फंडे को समझिए, होता ये है कि हो सकता है योगी जी को बना दे, इनके पास ऑप्शन इतने हैं, जॉब रोटेशन इतने होते हैं, हो सकता है योगी जी अगर अच्छे सीटों से आ गए तो उनका प्रयोग 2024 में ग्रेटर वे में किया जाए, पूरे पैन इंडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाए,
हो सकता है वहां किसी और को शिफ्ट करके योगी जी को ग्रेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जो है जिस चीज के लिए उन्होंने ग्रूम किया हो कि भाई उसका फायदा पूरे भारत के चुनाव में उठाया जाए। ये रही बात ऑप्शन की, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ और कोई बहुत बड़ी पर्सनल फाइट एक लेवल तक इसके लिए नहीं होगी। नहीं जी, हम तो यही रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली योगी जी भी शिफ्ट होंगे और उनकी पार्टी भी उनको शिफ्ट करेगी। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है सर, वो इधर से उधर हमेशा करते रहते हैं। हाँ, सपा बसपा होता तो मैं एक चीज डंके की चोट पे बोलता, या कांग्रेस होती तो डंके की चोट पे बोलता, भाई चुनाव आ रहे हैं या जीते, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री कम सीट है या ज्यादा है तो एक ही बनेंगे, वो मायावती बनेंगे, अखिलेश यादव या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे कुछ भी हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन को वो शिफ्ट करते रहते हैं। मैं मिश्रा जी, शायद मेरा सवाल जो है ना शबनम जी पूरी तरह नहीं समझ सकी। मैंने ये कहा कि ये कहती हैं कि वो तो अपनी ताकत जो है वो पूरी झोंक देती हैं फील्ड में, फाइन। लेकिन एक शख्स, वो तो एक ही शख्स है ना, उसके साथ तो इन्होंने कहा ममता भैया, चलो ममता दो बार आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन में। फर्क पड़ता है जैसे ये सारे मिनिस्टर जाते हैं, बीजेपी के पास रिसोर्सेज है, बीजेपी हैज एवरीथिंग, बीजेपी का केडर है, बीजेपी के पास प्लानिंग है, हाँ जी, अपोजिशन के पास कुछ भी नहीं है। और सबसे वर्स्ट अगर अपोजिशन कोई है तो वो कांग्रेस है, जिसके पास, जिनको आज तक ये समझ नहीं आई कि किस तरीके से हमने अपने आप को गांधी परिवार से बाहर निकाल के इस पार्टी को दोबारा ऊपर लेके आना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा सवाल है वो यही था कि एक शख्स जो अकेला लड़ाई लड़ रहा है यूपी में, मैं इनकी बात नहीं मानता, वो अकेला ही लड़ रहा है, चाहे उसने बाकी सबको साथ जोड़ा हो, छोटी छोटी पार्टियों को, बट दैट्स ए वेरी माइन्यूटली जी अफेक्टेड समवेयर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या वाकई उसने इतना बड़ा एक इनको विडंबना में डाल दिया कि भाई नहीं, इस बार मुकाबला है? डॉक्टर साहब देखिए, वो अकेले लड़ रहे हैं, बाई लॉ देखा जाए, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी एक आदमी को ले जाए चाहे 10 आदमी को ले जाए, कोई मना नहीं कर सकता। वो अकेले हैं तो अकेले इसलिए हैं अपनी गलतियों के कारण। उनसे पूछिए ना शिवपाल यादव को, उन्होंने क्यों हटा दिया, पार्टी से क्यों अलग कर दिया, ऐसे 10 लोगों को हटा दिया जो उनके लिए एकदम चुनावी मुद्दा जीतने वाले लोग हुआ करते थे। अब सवाल ये है, जैसे आपने कांग्रेस की दुविधा बताई कि वो गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसे ही अखिलेश यादव के बारे में वो आती है कि वो भी किसी के हाथ में कमान नहीं देना चाहते हैं। मायावती के साथ भी यही है कि वो सर्वे सर्वा अपने आप को समझते हैं। रही बात, अब सोशल मीडिया की टीम आपने नहीं बनाई, अखिलेश यादव ने बोला 2014 से सोशल मीडिया का एक्टिव प्रयोग हो रहा है चुनाव में, पूरी दुनिया कर रही है, ट्विटर पे एक से एक ट्वीट आप करते हो और एक ऑफिशियल टीम आप अपने लिए नहीं बनाते हो। आप स्टार प्रचारक, ऐसा नहीं है कि सपा में स्टार प्रचारक नहीं है, आप क्यों नहीं यूज करते हो अपने रिसोर्सेस को? इसलिए नहीं करते हो कि कोई दूसरा आदमी हमसे आगे ना निकल जाए, हमसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध ना हो जाए, कहीं कोई पार्टी को हाईजैक ना कर ले? तो ये तो इसके लिए कोई मर्सी नहीं देगा विपक्ष या कोई और भी पार्टी। मैं तो ये भी बोलता हूँ, अभी थोड़ा सा सरकार डावाडोल स्थिति वाली सीट आ जाए ना, तो अखिलेश यादव के पार्टी के ही कई लोग छोड़ करके दूसरे में चले जाएंगे, ऐसा हुआ कई बार जो है। तो इसके लिए ये उम्मीद ना किया जाए कि विपक्ष या आपकी राइवल पार्टी आपके ऊपर मर्सी करेगी। आप दया के पात्र नहीं है, ना कानून करेगा ना राइवल पार्टी करेगी। बेहतर है आत्ममंथन रिट्रोस्पेक्शन किया जाए कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है। अखिलेश यादव ने कितनी रैलियां की उनके पार्टी में, आप बताइए। रामगोपाल यादव वगैरह जो स्टार प्रचारक बन सकते थे, वो कहाँ पे हैं? क्यों नहीं भेज रहे हैं आप किसी को? सब कुछ अकेले कर, अरे सब कुछ आपके पास है लेकिन आप अपने आप को बचाने के लिए सब डूब हो रहे हैं, किसी को सामने नहीं आ रहे, तो कंप्लेंट ना करिए। सर जी, लॉ एंड ऑर्डर मैं समझता हूँ हैज प्लेड ए मेजर रोल, फूड सप्लाई आल्सो हैज प्लेड ए मेजर रोल, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में हमेशा से एक ऐसा मुद्दा रहा है, और अभी नहीं, ये पहले से रहा है, जब पहले की सरकारें समाजवादी और ये सब होता था, जिससे पूरी जनता त्रस्त थी। और इतना ही नहीं, बाहर के लोग भी इस चीज को मानते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसलिए बिजनेसमैन वगैरह यूपी में नहीं आते थे, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं होता था। इसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, ये ग्राउंड जीरो लेवल पे हकीकत है डॉक्टर साहब,
कि आज वाकई में यूपी में सड़क पे जो गुंडई होती थी, बहुत सारे ऐसे क्राइम होते थे, खत्म है, आपको दिखता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ ट्रेवल करते हैं, पहले कहीं ना कहीं घटनाएं दिख जाती थी। वाकई में 100% निर्मूलन तो नहीं हुआ है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, कोई क्राइम करने के पहले दो बार आदमी सोचता जरूर है। सड़कें सुरक्षित है, आप रात को 12 बजे जाइए। फूड सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हमारे लिए आपके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसी जनता जो जिनके लिए दो वक्त की रोटी कमाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, जीवन का संघर्ष है, उनके लिए 5, 10, 15 किलो चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है और वो उनके पॉलिटिकल परसेप्शन को बदल देता है। आप उस लेवल पे जाके अगर सर्वे करिए झोपड़ियों में इन सब चीजों के लिए, तो उनके लिए सब कुछ केवल अनाज है, चावल है, दाल है, तेल है, नमक है, ये है। तो ज्यादातर लोगों के परसेप्शन को वो बदल देता है और वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे जरूर हो सकते हैं कि भाई कितना भी आप हमें फ्री में दे दो, लेकिन हम तो कैडर वाले हैं, हम अपनी ही पार्टी को देंगे, वो डिफरेंट है। लेकिन आदमी को, वोटर्स के एक मेजर पोर्शन को इन सब चीजों से शिफ्ट किया जा सकता है। इसका उदाहरण है 5 रुपए का बस का टिकट फ्री कर देने में दिल्ली में पूरा चुनावी कैंपेन बदल गया, क्योंकि जिनको लगता है कि हमारे लिए 5 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या महिलाओं के लिए फ्री कर दिया, हम फ्री में आ रहे हैं जा रहे हैं, 4 महीने 6 महीने के लिए महिलाओं के लिए फ्री किया। मिश्रा जी, डॉक्टर साहब देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, चाहे 5 स्टेट हो या इवन जितने भी जगह इलेक्शन हो, नो डाउट बीजेपी ने जो गेन किया था अभी तक उसमें रिडक्शन होगा, कमजोरी आएगी। कहने का मतलब, हो सकता है इनके परसेंटेज वोट घट जाए, इनके नंबर ऑफ सीट्स घट जाए, मैं सारे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, और इस चीज की धमक बीजेपी हेड ऑफिस में भी है, बीजेपी के नेताओं में भी है, और ये चिंता और चर्चा का विषय है कि हम उस तरह से ग्लोरियस विक्ट्री, या जो हमारा एक जादू चलता था, वो चीज क्यों नहीं चल पा रहा है। और बीजेपी इस चीज को महसूस कर रही है और मंथन चल रहा है। 10 तारीख इनका ये है कि येन प्रकारे हम अपनी सरकार बना ले 10 तारीख के बाद, और मेजर हेर फेर जो है ये लोग करने के चक्कर में है कि बहुत सारे ऐसे नए पदाधिकारी लाए जाएंगे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको शिफ्ट किया जाए। बीजेपी इस चीज को मान रही है कि चुनौतियां बदल गई हैं, उनके मैग्नेटिज्म में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी आ रही है, ये पक्का है। तो ओवरऑल नट सेल में अगर देखा जाए तो पास्ट परफॉर्मेंस जो बीजेपी की रही है उससे तो उनको नुकसान है ही है।